आपकी पीठ जकड़ी रहती है, आपकी पीठ में दर्द रहता है या आपकी कमर से पैर तक दर्द जाता है, रेडिएट करता है पेन। अगर ऐसा होता है तो आज का वीडियो आपके बहुत काम का है, आराम से वेट को उठाना है। मैं हूं आपका फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर अभिनव चतुर्वेदी, डायरेक्टर रूपरानी हेल्थ केयर आगरा से। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। आज के सेशन में हम ऐसी 3 गलतियों के बारे में बात करेंगे जिनकी वजह से आपका ये बैक पेन, ये झंझनाहट, ये भड़कन बढ़ जाती है। अब ये दर्द होता क्यों है? तो उसका पहला कॉज है आपका बढ़ा हुआ वजन। आपके दर्द के बढ़ने की वजह जो वजन है, जब आपका वजन बढ़ता है तो आपकी स्पाइन पर लोड बढ़ता है। जब आपकी स्पाइन पे लोड बढ़ेगा तो आपकी जो स्पाइन के बीच में डिस्क होती है वो दबती है। जब वो डिस्क दबती है तो नस दबती है, जिस वजह से आपको झंझनाहट, जो आप कहते हो ना कि डॉक्टर साहब कमर से पैर तक झंझनाहट हो रही है, तरंगे सी मालूम पड़ रही हैं, ये होता है आपको दर्द। अब आपको ये तो पता चल गया कि बढ़े हुए वजन की वजह से आपकी पीठ में दर्द होता है, परंतु अभी ये नहीं मालूम पड़ा ना कि आप इसे कम कैसे कर सकते हो। तो अपना वजन कम करने के लिए या मेंटेन करने के लिए आपको आवश्यकता है एक अच्छी बैलेंस्ड डाइट की। अब इस डाइट में क्या लोगे आप? तो इस डाइट में आप लोगे हरी सब्जियां, फाइबर, लिक्विड, इस तरह की चीजें। आप कार्बोहाइड्रेट कम कर सकते हो, आप पानी खूब पी सकते हैं। अब बात करते हैं कॉज नंबर 2 के बारे में, आपका बैड पोस्चर। जब आपका पोस्चर खराब होगा, आप गलत तरीके से सामान उठाओगे, आप गलत तरीके से बैठोगे, चलोगे, फिरोगे, आप काम करोगे, कंप्यूटर पर ही काम करना ले लीजिए या मोबाइल फोन पर ही काम करना ले लीजिए, ऐसी वजहों से आपको समस्या होती है। आपकी गर्दन आगे झुक जाती है, झुक जाती है, इस वजह से आपकी कमर भी झुकती है। नेक के कंपनसेशन में कमर भी तो झुकती है, सर्वाइकल कर्व के कंपनसेशन में लंबर कर्व भी तो चेंज होगा, तो बॉडी वेट गलत तरीके से ट्रांसफर होगा, वो डिस्क दबेगी। फिर से देखिए वही मैकेनिज्म आ गया ना, इस पर भी वीडियो है, जाकर देखिएगा चैनल पर। आपकी बैक में पेन होता है, एक वजह होती है उसकी काइफोसिस। काइफोसिस में भी तो आपका कर्व बढ़ जाता है थोरेक्स का, या लंबर लॉर्डोसिस हो जाती है, आपकी कमर का बल्ज बढ़ जाता है। आपको काइफोसिस होती है कुछ इस प्रकार से, आप आगे झुक जाते हैं, या आपका वजन बढ़ने की वजह से लंबर कर्व इंक्रीज कर जाता है, जिसको हम लॉर्डोसिस कहते हैं। इन वजहों से भी तो बैक पेन होता है। एक बहुत बड़ी वजह होती है बैक पेन होने की, आपके घिसे हुए जूते। कभी ध्यान दिया है कि चलते फिरते आपका पैर हल्का सा ट्विस्ट करता है और उस वक्त अचानक से आपकी कमर में झटका आता है, बट आपको समझ में नहीं आता कि हुआ क्या, झटका लगा क्यों, फर्श तो समतल है, सब कुछ आप ठीक कर रहे हो, आराम से चल रहे हो, मगर वो वजह यही होती है कि जब आपके जूते घिसते हैं, एक तरफ से वॉर्न ऑफ होता है सोल, तो आपका पैर मुड़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जब ऐसा होता है तब आपकी पीठ का जो बैलेंस है, जो हमारा वेट ट्रांसफर, अब देखिए आपके हाथ से वेट ट्रांसफर होगा आपकी आपके नेक पर, आपके नेक से स्पाइन के थ्रू वेट जाएगा नीचे की तरफ, और यहां से आपका वेट 2 भागों में बट जाएगा आपके दोनों पैरों पर, दोनों पैरों से वो वेट जाएगा आपके घुटनों पर और एड़ी पर। अब आप यहां पहनते हो जूते, जब वो एक घिसा हुआ होगा तो ऊंचा नीचा रहेगा ना। अब इसका रिवर्स देखिए, एड़ी से घुटना, घुटने से पेल्विस, जब पेल्विस पे ऊंचा नीचा आएगा तो आपका बैलेंस बिगड़ा कि नहीं बिगड़ा, मांसपेशियों का बैलेंस बिगड़ गया, तो एक तरफ खींचेगी एक तरफ नहीं खींचेगी, यही तो पेन का कॉज बनता है, जो आप कभी नहीं समझ पाते। इसलिए मैं कहता हूं कि प्रॉपर शूज पहनिए, अगर आपका सोल वॉर्न ऑफ हो रहा है तो प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगा उन्हें आज ही बदल दें। हमने ये तो जान लिया कि किन वजहों से हमारी पीठ में दर्द होता है, पर अब आइए जानते हैं ऐसी 3 वजह जो डे टू डे लाइफ में करने की वजह से आप अपना पीठ दर्द बढ़ा लेते हैं, जिन्हें हमें अवॉइड करना चाहिए। तो पहली गलती, आपकी पीठ में स्टिफनेस होती है, तो उसे दूर करने के लिए आप कई बार एक्सरसाइज वगैरह करते हैं ना, आप एक एक्सरसाइज करते हैं नी टू चेस्ट, या जिसे कहते हैं पवन मुक्तासन। अब देखिए ये बहुत अच्छी बात है, आप ये एक्सरसाइज करते हैं या आप जानते हैं इसके बारे में, परंतु जब आप एक पैर से करते हैं तब तक तो ठीक है, क्योंकि जब आप एक पैर से करते हैं, आप पैर को उठा के ऊपर अपने चेस्ट की तरफ खींचते हैं, क्योंकि उस समय आपका एक पैर नीचे होता है तो आपकी पेल्विस बैलेंस रहती है, आपकी पूरी पीठ सीधी रहती है, पूरी पीठ बेड के कॉन्टैक्ट में रहती है, तो पीठ पे कोई मूवमेंट नहीं होता, केवल जो पैर मोड़ रहे हैं उसकी थाई मसल और उसकी हिप मसल पे स्ट्रेच पड़ रहा है, वहां तक तो बिल्कुल ठीक है,
कोई समस्या नहीं है, आप बारी बारी दोनों पैरों से कर सकते हैं। परंतु जैसे ही आप अपने दोनों पैरों को एक साथ ऊपर मोड़ते हैं, समस्या वहां शुरू होती है। क्या होता है, जब आप अपने दोनों पैरों को मोड़ते हैं तो आपकी पेल्विस घूम जाती है, आपकी पूरी स्पाइन गोल हो जाती है। वो स्ट्रेच जो पड़ता है उस समय, वो आपकी दोनों हड्डियों पर दबाव इतना बनाता है कि डिस्क दबके और बाहर की तरफ आने लगती है। उस समय आपकी पूरी पीठ बेड के कांटेक्ट में नहीं होती है, तब आपका बैक पेन बढ़ने के चांसेस 90% से ऊपर हो जाते हैं। इसीलिए विशेषकर ध्यान रखेंगे कि बैक पेन की एक्सरसाइज करते समय आपको सिंगल नी टू चेस्ट करना है, दोनों पैरों से साथ में नहीं करना, ये विशेष ध्यान रखिए। आइए जानते हैं अब गलती नंबर 2 के बारे में कि वो क्या होती है। गलती नंबर 2 होती है आपका बढ़ा हुआ वजन है, आप इसे कम करना चाहते हैं। अब आप एक्सरसाइज करते हैं, घर पे हो या जिम में हो, आप अपने दोनों पैरों को ऊपर उठाते हैं, कैसे, एक साथ, या आप क्रंचेस करते हैं। अब देखिए, दोनों पैरों को आप एक साथ ऊपर उठाओगे तो धारणा ये होती है कि पैर ऊपर उठेंगे तो अरे वाह, एब्स पे जोर पड़ रहा है, बड़ा बढ़िया मूवमेंट हो रहा है। परंतु यही तो गलती है, 90% लोग दोनों पैरों को ऊपर उठाते में, लेग रेजिंग करते में, या मैं कहूँ अर्ध हलासन करते समय अपने पेट की मांसपेशियों को, जो कोर मसल्स हैं, इन्हें ठीक से टाइट ही नहीं कर पाते और इस चक्कर में पीठ पे जोर पड़ जाता है। करना क्या चाहिए, पहले सिंगल लेग रेजिंग करिए, एक बार में एक ही पैर उठा के प्रैक्टिस करिए कि आप क्या कर रहे हो, अपनी मसल्स को ट्रेन करिए कि आपको मूवमेंट करना क्या है। जब पैर उठाना है ऊपर तो आपकी एब्स की मांसपेशियां इतनी टाइट हों कि वो जो सारा लोड है वो पीठ पे न जाकर आपके सही मसल ग्रुप पर ही पड़े। उसके बाद आपको करना चाहिए कि दोनों पैरों को मिलाकर एक साथ ऊपर ले जाएं और उस समय भी प्रॉपर ब्रीदिंग हो और कोर मसल्स को टाइट करना है हमको। यदि हम बात करें क्रंचेस के बारे में, तो क्रंचेस करते में लोग क्या करते हैं, क्रंचेस करते में आप अपने पैरों को उठाते हो ऊपर, हल्का मोड़ लेते हो नीचे, और हाथ कान के पास रख के ऊपर उठने का प्रयास करते हो। अब यहाँ गलती कहाँ होती है, यहाँ गलती होती है थोड़ा उठने में तो कष्ट नहीं है क्योंकि आपकी उस वक्त सिर्फ अपर बैक ऊपर उठ रही है, बट जैसे ही आप जोश में पूरा ऊपर उठने की कोशिश करते हो कि नहीं मैं तो अपने माथे को घुटनों से लगा ही दूंगा, गलती वहां शुरू होती है क्योंकि तब आपकी पूरी पीठ गोल होने लगती है और जहां पीठ गोल होनी शुरू हुई वहीं आपकी डिस्क पर दबाव पड़ा, डिस्क और बाहर आ जाएगी। अभी तक तो आपकी पीठ में खाली दर्द था, अब आपने एक और अच्छा काम कर लिया क्या है, आपने अपनी डिस्क को और हर्निएट कर लिया। गलती करी थी ना, तो परिणाम तो भुगतना पड़ेगा, डिस्क हर्निएट हो गई। अब वो जो दर्द आपकी कमर में था अब आपके पैर तक भी जाएगा, पैर तक जाएगा, फिर आपके साथ तलवों में से भड़कन भी निकलेगी। ये सारी गलतियां ना हो, इनका ध्यान रखना है। अगर आपको अब तक थोड़ा बहुत भी अगर समझ आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, और आपको अगर समस्या हो रही है ऐसी कि दर्द कमर में था या कमर से पैर तक जा रहा है या तलवों में से भड़कन ही निकल रही है, तो प्लीज अभी हमें अपनी समस्या कमेंट सेक्शन में पोस्ट करिए, वील ट्राई टू सॉल्व इट। अब जानते हैं आपकी वो तीसरी गलती जिसे करने की वजह से आप शानदार तरीके से अपने कमर दर्द को बढ़ा लेते हैं। युवा लोग जिम में करते हैं डेडलिफ्ट और घर पे महिलाएं करती हैं सामान उठाना, सीढ़ी से ऊपर चढ़ना। महिलाएं ये समझती हैं कि हम दिन भर काम बहुत करते हैं अपना वजन कम कर लेंगे। मेरे पास महिलाएं बहुत आती हैं और मुझसे कहती हैं डॉक्टर साहब हम घर में काम तो बहुत करते हैं हमारा वजन कम नहीं होता। तो मैं आपको बता दूं कि घर में काम करना और जिम में एक्सरसाइज करना दोनों ही बहुत अलग बातें हैं, आप इसको मिलाएं ना, अन्यथा समस्या बनी रहेगी, जहां थी वहीं रहेगी। अब बात आती है जमीन से सामान उठाना, तो आप जल्दबाजी में तो रहती हो घर में काम करते में, ये भी काम है वो भी काम है, बच्चे को भी लाना है, खाना बनाना है, ये सब चीज देखनी है, कुछ सामान जमीन पे नीचे गिर गया, आपने आओ देखा ना था फट से उसे उठा लिया, और उठाया कैसे, बिना घुटने मोड़े धड़ाम से आप उठी और आपने सामान नीचे से उठा लिया। अब यही काम खराब हो गया, जो आपने सामान उठाया था नीचे से, पीठ पूरी मुड़ी, डिस्क बाहर आई
और हर्निएट हो गई। यही तो हमें नहीं करना। आइए आपको मैं दिखाता हूं कि किस तरह आपको वजन घर में उठाना है या किस तरह आपको जिम में डेडलिफ्ट करने हैं। सबसे पहली चीज, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपका स्टांस। कंधों के बराबर पैर खोलिए अपने। अब जब आप घर से, आप महिलाएं या मेरी माताएं बहनें घर में सामान उठाएंगी तो क्या करेंगी? घुटने मोड़ के सामान को उठाएंगी। देखिए, ये करते वक्त मेरी पीठ गोल नहीं हो रही है, मैं ऐसे नहीं उठा रहा हूँ, मैं घुटने मोड़ रहा हूँ और आराम से सामान को उठा रहा हूँ, मेरी पीठ बिल्कुल सीधी है। या फिर मेरे भाई लोग जो जिम में डेडलिफ्ट करते हैं, उन्हें भी क्या करना है, आराम से वेट को उठाना है। इस समय ये करते वक्त भी मेरी पीठ जो लोअर बैक है वो गोल नहीं हो रही, वो एकदम स्ट्रेट है, वेट ट्रांसफर प्रॉपर आ रहा है, मेरा स्टांस प्रॉपर है, दोनों पैर कंधों के बराबर आराम से खुले हुए हैं, मैं अपने घुटनों को मोड़ रहा हूँ, ना कि मैं अपनी पीठ को राउंड कर रहा हूँ। ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। इसी को ध्यान में रखकर आप अपनी समस्याओं से दूर रह सकते हैं, अपने बैक पेन को बिल्कुल दूर रख सकते हैं। यहाँ तक तो बात हो गई किन वजहों से आपका पीठ का दर्द बढ़ जाता है, कि आप क्या गलतियां करते हैं, परंतु अब इसे ठीक कैसे करना है, इसके लिए एक पूरा अलग से वीडियो लेकर आएंगे हम, क्योंकि ये वीडियो वरना बहुत बड़ा हो जाएगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके जानने वालों में, माताओं को, बहनों को या आपके किसी भाइयों को ऐसी समस्याएं हैं जो गलतियां करते हैं, उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचाइए, क्योंकि उनके लिए ये वीडियो बहुत काम का है, ताकि वो इन सारी समस्याओं से दूर रह सके।